हेलो दोस्तों, देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी घर में एसी क्यों नहीं है? और क्या आपने कभी मकड़ियों के जाल के सुनामी के बारे में सुना है? और क्या आपको पता है लीच और नमक की दुश्मनी के बारे में? इसके साथ ही साथ जाने कैसे नाई के बारे में जो बाल काटने के लिए रोल्स रॉयस जैसी करोड़ों कार से आते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक, और हमारे चैनल मिस्टर फैक्ट कारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, आपने बाढ़ और सुनामी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने मकड़ियों की जाल की सुनामी के बारे में सुना है? दरअसल दोस्तों, हुआ यूँ कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में स्थित जिप्सलैंड और लैंगफोर्ड इलाके में बाढ़ के बाद चारों तरफ से मकड़ियों के जाल बने हुए दिख रहे थे, जिन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ के साथ ही मकड़ियों के जालों की सुनामी आई हो। एक्सपर्ट से पता करने पर मालूम होता है कि बारिश के बाद मकड़ियों घर तबाह हो रहा था। उससे बचने के लिए वो ऊंचाई वाली झाड़ियों के ऊपर गई। झाड़ियों के ऊपर वह तेजी से जाल बुनने लगी ताकि वो बाढ़ और तेज वाली बारिश से बच सकें। इस प्रोसेस को बालूनिंग कहते हैं। नंबर 9। एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि वो देखने में बिल्कुल अनरियल लगती है। उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे बच्चों की बुक में बनी बिल्डिंग की इमेज को मोड़ कर देख रहे हो। यह बिल्डिंग पोलैंड के सोपेट में है। इस बिल्डिंग का नाम क्रूकेड हाउस है। नंबर 8। मध्य प्रदेश का एक कपल जिसने आम के अपने बगीचे को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 गार्ड और 6 डॉग को हायर किया है, लेकिन ये कोई आम बगीचा नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे महंगे आम जापानीज मियाज़ाके नाम के आम का बगीचा है, जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये पर केजी है। नंबर 7। आपने एक से बढ़कर एक हाईवे तो ज़रूर देखे होंगे। लंबे हाईवे से लेकर सबसे चौड़े हाईवे के बारे में सुना भी होगा, लेकिन क्या आपने किसी एक ऐसे हाईवे को देखा है जो बिल्डिंग के बीचों बीच से निकलता है? आज हम आपको ऐसे हाईवे के बारे में बताने जा रहे हैं। यह हाईवे 16 मंजिल ऊंची इमारत गेट टावर बिल्डिंग के बीच से गुजरता है। हम जिस हाईवे के बारे में बात कर रहे हैं वो जापान में है। जापान के ओसाका शहर में आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना देखने को मिलता है। ऐसा आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आगे और भी मजेदार फैक्ट है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। उससे मेरा क्या फायदा? नंबर 6। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे नाई से बाल कटवाना पसंद करोगे जो बाल काटने के लिए रोल्स रॉयस जैसे करोड़ों कार से आते हैं? जी हाँ, मिलिए कर्नाटका बेंगलुरु के नमेश जी से, जिनके पास रॉयल्स रॉयस BMW जैगुआर मर्सिडीज जैसे लगभग 400 कारें हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या उन्होंने इतना पैसा बाल काट कर कमाया है, और इतना पैसा होने के बावजूद वो आज भी लोगों के बाल क्यों काटते हैं? एक बार जब उनसे किसी ने सवाल पूछा कि इतना पैसा होने के बावजूद आज वह सैलून में काम क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी तो इस धंधे की वजह से मुझे खाने के लिए रोटी नसीब हुई, और आज जब मेरे पास पैसा है तो मैं इस धंधे को क्यों छोड़ूं? मजा आया। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लीच पर नमक डालने से वो फौरन मर क्यों जाती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, नमक अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को मॉइस्चर से अब्जॉर्ब कर लेता है, और जब नमक लीच के ऊपर डाला जाता है तो लीच का सार मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है और लीच अल्टीमेटली मर जाती है। नंबर 4। च्युइंगम खाकर उसे दीवार पर चिपकाना गलत बात होती है, लेकिन USA के सिएटल में ऐसा नहीं है। सिएटल के डाउनटाउन के मार्केट में थिएटर में एक ऐसी दीवार है जहाँ जाने वाला हर व्यक्ति यहाँ च्युइंगम चिपका कर जाया करता था। इस थिएटर को गम वॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस दीवार में गम लगाने की शुरुआत 1991 में हुई थी, और 1999 आते आते दीवार एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई, लेकिन अब इस दीवार को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नंबर 3। जहां आजकल आम लोग भी गर्मी से निजात पाने के लिए अपने घरों में एसी लगवाते हैं, वहीं देश के सबसे अमीर शख्स के घर में एसी ही नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल मुकेश अंबानी घर एंटेलिया के बारे में कहा जाता है कि इस घर की दीवारों को कुछ यूनिक तरीके से बनाया गया है जिससे कि वो एनर्जी को कैच करती है और घर को ठंडा रखती है, और इस घर के टेम्परेचर को भी अपने हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकता है, जिससे एक तो बिजली की बचत भी होती है और दूसरी ओर ऐसी ठंडक से होने वाले नुकसान को खुद को बचाया भी जा सकता है। नंबर 2। अगर आप भी घरों में मच्छरों से परेशान हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, घर में चमगादड़ पालना होगा, क्योंकि चमगादड़ एक रात में 3,000 से ज़्यादा कीट व मच्छर खा सकते हैं। नंबर 1। टिंकर टॉय। ये बिल्ली दुनिया की अब तक की सबसे स्मॉलेस्ट बिल्ली थी, जिसकी हाइट 2.7 इंच
और लेंथ 7.25 इंच थी और इसका वजन 6.80 ग्राम था। इस बिल्ली का जन्म यूएसए के इलिनॉय सिटी में 25 दिसंबर 1990 में हुआ था। ये बिल्ली इतनी छोटी है कि आप इसे अपनी हथेली पर बैठा सकते हो। इस क्यूट्स बिल्ली की डेथ नवंबर 1997 में हो चुकी है।